ऐसी हस्ती का हमारे बीच होना ये बहुत बहुत जरूरी है। आप सभी ताली बजाएं डॉक्टर के। आज का दिन, आजादी का दिन, इसके बारे में चर्चा करना बेकार है, इसलिए कि आप सभी जानते हो। क्यों? वो नहीं जानता आजादी क्या है ना, जानते हो ना भाई। इसमें बताने की कभी कभी वो जो एक रिपब्लिक डे होता है ना 26 जनवरी वाला, उसमें बताना पड़ता है, कहना पड़ता है कि क्यों रिपब्लिक डे बनाया, क्या वजह है, संविधान क्या है, क्या है, बड़ी कहानी कहनी पड़ती है। आज कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कि आप सभी बदमाश हैं, बड़े शैतान हैं। क्यों भाई, है ना, शैतानी करना भी आपकी आजादी का हिस्सा है। मैं भी कोशिश करता हूँ, शैतानी करूँ, लेकिन पकड़ा जाता हूँ। इसलिए कि मेरा काम था शैतानी को रोकना। मैं पुलिस में था, आप लोगों को मालूम है ना, सबको पता है। हमसे डरते हो कि नहीं आप? नहीं डरते हो? अरे यार, ये तो नहीं डरती है कम से कम, एक तो बात यह है। दूसरी चीज कि मैं जब यहाँ आया तो बाहर बहुत कूड़े का एक खान पड़ा हुआ था, बड़ा था ना कूड़े का खान। 3 दिन पहले दीक्षिका दीदी को हमने कहा कि भाई आप इस पूरे बिल्डिंग के इंचार्ज हो, तो कूड़े का इंचार्ज कौन होगा, ये सवाल है ना। मान लो तो अपने, अब सवाल ये कि जब वो समस्याएं खत्म हो गई कि कोई विदेश का आदमी अंग्रेज आया झगड़ा किया और हमको 200 साल तक हमको कब्जे में रखा, ये सब कहानी तो खत्म हो गई ना। अब जब ये कहानियां खत्म हो गई दोस्तों, तो कुछ ना कहानियां तो बचेंगी ही आजादी के नाम पे। आजादी किस चीज से, ये सवाल उठता है हर किसी के दिमाग में। तो आजादी इस चीज से कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम ना हो, हर बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। क्यों? ठीक है, पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करें कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना है, बल्कि पैसा कमाएं, नौकरी करें, अच्छी जीवन व्यतीत करें, हर परिवार में सुख हो, हर व्यक्ति को डॉक्टर के के अग्रवाल किस्म के लोग मिले ताकि हर आदमी की सेहत ठीक रहे, बीमारी ना हो, कम हो, देश में सफाई हो। मोदी साहब बहुत सारी बात कह रहे हैं, उसको पूरा करना जरूरी है। क्यों भाई, मोदी का नाम सुना ना आपने, कौन है? प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा, प्रधानमंत्री है तो नेता तो हो ही गए। तो इसलिए दोस्तों, आजादी भारतवर्ष के लिए, बस एक मिनट थोड़ी सी गंभीर बात कह दूं मैं, आजादी भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि अभी भी देश में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, आपको मालूम होगा। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर के के अग्रवाल की सेवाएं नहीं मिलती है, किसी डॉक्टर की सेवा नहीं मिलती है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रात में भूखे सो जाते हैं, आपको मालूम है ना, खाना नहीं मिलता है। आप सबों को मिलता है, हम सबों को मिलता है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ प्रयास, आपको पता होगा बहुत काम करती है ना प्रयास। बिना घर बार के करीब करीब 140,000 लोग इस शहर में रहते हैं। दिल्ली की आबादी मालूम है कितनी है? 1.70 लाख। 1.70 लाख में करीब करीब लोग ऐसे होते हैं बच्चों, यानी करीब करीब 170,000 लोग ऐसे होंगे इस शहर में जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, जो बिना घर बार के हैं। और बिना घर बार का आदमी कैसा होता है बताने की जरूरत नहीं है, उसके खाने का इंतजाम। बल्कि कोई आदमी जो बिना घर बार का होता है ना बच्चों, अगर उसकी उम्र 40 साल होती है तो वो 80 साल का हो जाता है, इतनी परेशानियों से गुजरता है वो। तो ये तमाम समस्याएं हैं, और जब तक ये समस्याएं देश में रहेगी, आजादी हमारी पूरी होगी क्या? नहीं होगी ना। बस हमको इतना ही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल की बात सुनने के लिए। हेलो, थैंक यू आलमोद जी। प्यारे बच्चों नमस्कार। आवाज नहीं आई और जोर से नमस्कार करने से क्या होता है? नमस्कार करने से बीमारियां नहीं फैलती,
क्योंकि अगर आप लोगों से हाथ मिलाओगे तो किसी ने अपना नाक साफ किया फिर हाथ मिला लिया तो दूसरे को इन्फेक्शन हो गया। तो इसलिए हमेशा नमस्कार करने से बीमारियां नहीं होती। आप दोनों यहाँ पर आओ, आप दोनों यहाँ पर आओ, फटाफट जल्दी आओ, जल्दी आओ। आप एक दूसरे को डांटो, आप डांटो, इसे लड़ाई करो जरा। कौन करेगा लड़ाकू, कौन है तुम? आजा 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 भैया, ये एक एक्सरसाइज है जो आपको सिखा रहा हूँ मैं। अच्छा आजा, वैसे आजा, लड़ाई मत करना, आजा आजा। तुम वापिस आ जाओ, आ जाओ, लड़ाई नहीं करेंगे। अब देखो, जब भी हम लड़ाई करते हैं तो हमारी छाती फूल जाती है, मेरी ऐसे 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 ही बोलते हैं ना, ठीक है ना। अगर आप अब चुके नमस्ते करें और आप बोलो तेरी ऐसे की तैसे, नहीं होगा ना। कभी भी आप नमस्ते करोगे और थोड़ा झुकोगे तो गुस्सा आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुस्सा आने के लिए हाथ चौड़े बाहर होने चाहिए और छाती चौड़ी होनी चाहिए हमेशा। मैं देख लूंगा तेरे को। तो इसलिए पहला लेसन हमारा यह है कि नमस्ते करना सीखो, एक दूसरे को नमस्ते करो, नमस्कार बोलो और झुक के सीखो। मंदिर में जाते हैं तो झुकते हैं, ताकि आपने अभी गाना गाया था अभिमान के ऊपर में, अभिमान होना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि अकड़ आ जाए, ठीक है। तो झुकना सीखो और हाथ जोड़ना सीखो, ये पहला मैसेज है मेरा। दूसरा मैसेज ये है कि सबसे अच्छा शहर रहने के लिए कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली वाले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेट्स सी दिल्ली। मैं थोड़ी सी रैगिंग करूंगा पिक्चर्स की भी एंड सीनियर्स लोगों की भी। सबसे अच्छा शहर कौन सा है? मैसूर। आ जाओ, ये पकड़ी गई, रैगिंग कर रहा हूं, आप पकड़ी गई। आज ये सबसे अच्छा मैसूर क्यों है? क्योंकि इन जैसी लड़कियों को, इन जैसी औरतों को मैसूर ने निकाल दिया। अगर ऐसी औरतें मैसूर में होती तो मैसूर खराब हो जाता, इसलिए बोला तुम दिल्ली में जाओ। और दिल्ली अच्छा क्यों है? जिसमें ऐसे बच्चे होंगे वो बेस्ट होगा। तो इसलिए सबसे अच्छी एनजीओ कौन सी है? सबसे अच्छी एनजीओ कौन सी है? प्रयास। क्यों क्यों प्रयास सबसे अच्छा है? क्योंकि हम यहां पे हैं, बिकॉज आई एम द बेस्ट। जिस दिन हम छोड़ देंगे प्रयास खराब हो जाएगा, इसलिए जब तक हम यहां हैं प्रयास सबसे अच्छी है, क्योंकि प्रयास हम हैं। जब तक ये भावना नहीं आएगी आपके मन में, कितने लोग यहां पर हैं जो आमोद जी बनना चाहते हैं? वेरी गुड, हाथ खड़ा करो, वेरी गुड। जब तक आप सोचोगे नहीं यहां पहुंचना है तो यहां तक नहीं पहुंचोगे। तो हमेशा बड़ा सोचो। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई पुलिस का बनना चाहेगा, कोई एनजीओ खोलना चाहेगा, लेकिन मन के अंदर में वो विश्वास लेके चलो कि मुझे कुछ बनना है, और कोई आपको रोक नहीं सकता। सपोर्ट आपको है, ठीक है, टीचर्स आपके साथ में है, लेकिन इस सब के लिए सब सिर्फ आपको एक काम करना है। वो क्या करना है? नहीं, प्रयास करना है। पढ़ाई का भी प्रयास करना है, खेलकूद का भी प्रयास करना है। तो एक वर्ड है प्रयास, वो अपने दिमाग में घुसा लो। हर चीज के अंदर में प्रयास करना है, वो करोगे तो आप पढ़ोगे। मैसेजेस बहुत सारे हैं, एक दो मैसेजेस लेके खत्म करूंगा क्योंकि कंट साहब को भी जाना है। पहला मैसेज है खान पान में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। खान पान के अंदर में सबसे पहले अगर हमारा खान पान ठीक नहीं होगा तो हमारे को बीमारी हो सकती है, तो गुड़ सब चना मिलता है आप लोगों को? चना मिलता है, गुड़ सुना है? गुड़ का नाम संतोषी माँ के व्रत का नाम सुना है? वो क्या था? गुड़ और चना हफ्ते में एक दिन खाओ। चना इज प्रोटीन, गुड़ इज आयरन, लड़कियों के लिए खासकर। हफ्ते में एक दिन गुड़ चना खाओ तो आपको कम से कम 50% बीमारियां कम हो जाएंगी।
हफ्ते में एक दिन गुड़ और चना। तो आप कोई आदमी आपके पास आए मिठाई लेके आए तो क्या बोलोगे? गुड़ चना लेके आओ, मिठाई से मेरे को क्यों बीमार कर रहे हो? लोग क्या करते हैं, घर में मेरे मिठाई का डब्बा आया तो मैं क्या करता हूं, लोगों में बांट देता हूं ताकि मेरे को बीमारी ना हो। अगर मैं खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, इसलिए मैं मिठाई को बांट देता हूं। तो आप लेना मत करो कि हमें मिठाई नहीं चाहिए, गुड़ चना दो, मूंगफली दो, गुड़ चना दो, मूंगफली दो, मुरमुरा दो, चावल से अच्छा मुरमुरा है। ये चीजों की डिमांड करो आप, जितना आप ये करोगे वो अच्छा होगा। मैं सिर्फ एक चीज को बोलना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोगों ने भगवान कृष्ण का नाम सुना है हाँ कि नहीं? उनका बचपन सुना है आपने? कृष्ण को क्या बोलते थे हम? माखन चोर, माखन चोर बोलते थे। फिर हमने सुना उन्होंने कालिया के सांप के ऊपर भी डांस किया। फिर हमने देखा कि उन्होंने गोपियों के साथ में डांस किया, ठीक है। फिर हमने देखा कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, फिर उन्होंने कंस को मारा। ये हमारे शास्त्रों में हमारे बच्चों की जर्नी है। बच्चा जब पैदा होता है तो प्योर होता है, ना उसमें अहंकार होता है, ना माइंड होता है, ना इंटेलेक्ट होती है, ही इज अ प्योर सोल। इसलिए मक्खन खाना, मक्खन बांटने का मतलब है कि बच्चा 5 साल की उम्र तक झूठ नहीं बोलता। ये कर्मजीवी मानेंगे कि बच्चा झूठ नहीं बोलता, ये लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल प्रोसीजर भी है। कानून ये कहता है बच्चों कि साथ शुरू मत कर देना, बच्चा अपराध कर भी दे तो उसका अपराध नहीं माना जाता। मेरे हिसाब से वो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो प्योर माइंड है, उसके मन में वो कोई है ही नहीं कि मैं अपराध नाम की कोई चीज है। जिस दिन उसके मन में ये प्रवृत्ति आ गई कि मेरे मन में मैं भी ये भी कर सकता हूँ, उसे बोलते हैं कालिया। मन में कालिया आ गया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, उस कालिए को मारना नहीं, उस माल कालिए को कंट्रोल करना है। तो कृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, उसने उसको कंट्रोल करके, उसको डांस करके उसको सिखाया। ये काम जो फेज है आपका, ये प्रयास के अंदर है। तो प्रयास आपको क्या सिखा रहा है? उस कालिया को कंट्रोल में रखना। ये फेज हमेशा से याद रखो, ये जो फेज है आपका कालिया को कंट्रोल करने का, ये बहुत जरूरी है प्रयास के अंदर में। फिर जब आप 9वीं क्लास में आ जाओगे, 14, 15, 16 में एडोलेसेंट में आ जाओगे, जो लास्ट फेज है आपका, उस वक्त में आपने गोवर्धन पूजा यानी के सोचना है मुझे क्या बनना है। एक उंगली से दुखों के पहाड़ को, बारिश की थॉट्स को, जैसे ही आपने एक उंगली से डिसाइड किया, बारिश बंद हो गई, तूफान बंद हो गया, यानी कि मेरे मन के अंदर में जो उथल फुथल हो रही है, जैसे ही आप 12, 13, 14 साल में बने, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मैडम बनना है, मुझे आमोद जी बनना है, मुझे पुलिस बनना है, उसके बाद में जैसे ही आप सोचोगे भाई बनना है तो बनोगे। और बनने के बाद में सबसे आखिर में आपने अपने अंदर के कंस यानी कि अहंकार को मारना। सो बच्चों क्या क्या बनना चाहोगे जल्दी जल्दी? डॉक्टर कितने लोग बनना चाहेंगे? चलो भाई, जितने भी लोग डॉक्टर बनना चाहेंगे सबको मैं हेल्प करूंगा, जब जब बुलाओगे मैं आऊंगा, सबको मैं हेल्प करूंगा डॉक्टर के अंदर में। कितने लोग पुलिस वाला बनना चाहेंगे? सबको आमोजी हेल्प करेंगे, नहीं उतना ही है। कितने लोग हैं जो पत्रकार बनना चाहेंगे? उनको अमिताभ जी हेल्प करेंगे। साइंटिस्ट बनना चाहोगे? वेरी गुड, ये साइंटिस्ट बनना चाहेंगे, आपको मैं हेल्प करूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हेल्प करा के काम हुआ आपका काम। साइंटिस्ट बनो, साइंटिस्ट का मतलब है क्यों, हर चीज के अंदर में क्यों, ये चीज क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही। मेरा एक आखिरी मैसेज है, वो आपका ने आप वो है हमारे टीचर्स का और हमारे टीचर्स का और हमारे बड़े लोगों का, कि अगर आप लोग चाहते हो कि 80 साल तक, बच्चों सिर्फ 1.5 मिनट दे दो, अगर आप लोग चाहते हो कि 80 साल तक आप प्रयास में काम करते रहो और मेरे पास ना आओ,
ठीक है, और ये बच्चे बड़े हो के अच्छी हालत बन जाए तो 80 का फंडा याद रखो कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई 80 से कम रखे। इसके लिए 80 मिनट रोज चले, 80 मिनट हफ्ते में तेज चले, 1 मिनट में कम से कम 80 कदम चले, एयर पॉल्यूशन 80 से कम रखे, नॉइज पॉल्यूशन 80 से कम रखे, साल में 80 दिन अनाज ना खाए, दिन भर में 80 साइकिल प्राणायाम की करें, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी, होगी तो डॉक्टर से जाके बात करो, 80 मिलीग्राम की जो जो गोली आप देते हो हमें दे दो, तो आप मरोगे नहीं। मर भी गए तो चिंता नहीं, क्योंकि मरने के 10 मिनट के अंदर अर्लियर द बेटर, कम से कम 10 मिनट तक, लॉन्गर द बेटर, 10x10 कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए इंसान की छाती पीटोगे तो 80% चांसेस है कि वो उठ के बैठ जाएगा। ये बड़े लोगों के लिए है, क्योंकि इन लोगों के लिए है। और लास्ट का मेरा पॉइंट है, आज के इस प्रयास, ऑर्गेनाइजेशन के प्रयास पे, इनके प्रयास से जो इतने बच्चे यहाँ पे 80 के करीब यहाँ पर हैं, 80 के करीब यहाँ बैठे हैं, 60 तो ऊपर ही रहते हैं, और अगर आप तालियां बजाओगे अमोद जी के लिए तो कम से कम 80 बजाओ। कौन है, क्या है, क्या करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इनके गले में आला लगा है। आपने देखा, सबने देखा ना, आला लगा है तो आले से पता लग ही जाता है, आला जैसे लगा है इसका मतलब क्या होता है डॉक्टर। और इन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात कह दी हमको आज, जो मुझे ज्ञान नहीं था, तो रोज ही ज्ञान मिलता है ना लोगों से, डॉक्टर अग्रवाल से ज्ञान तो मिल ही सकता है। इन्होंने ये कहा कि डॉक्टर जो शब्द है ना, डॉक्टर कि कोई डॉक्टर कहलाता है या कहता है अपने आप को, इसकी कोई भी परिभाषा ना तो भारत के संविधान में है ना कानून में। डॉक्टर वैसे तो अपने आप को हर आदमी कह सकता है, लेकिन कहीं किसी कानून के, आप समझ लो मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो डॉक्टर का कोई मतलब किसी संविधान में या किसी कानून के अंदर नहीं है, लेकिन डॉक्टर है वो, हर आदमी डॉक्टर है जो दूसरों को ठीक कर सकता है, दूसरों की बीमारी को ठीक कर सकता है, दूसरों की तबीयत को ठीक कर सकता है, जैसा